नवगछिया के एनएच 31 पकड़ा मोड़ के समीप स्थित आवासीय प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल में खाने के पश्चात 40 छात्र छात्राएं बीमार हो गए। सभी छात्र छात्राओं को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल नवगछिया में भर्ती करवाया गया है। बच्चों ने बताया कि सभी छात्र छात्राओं को रात्रि में खाने में दूध व रोटी दिया गया था। खाना खाने के पश्चात सभी बच्चे उल्टी, दस्त, जी मचलना, सर दर्द, पेट दर्द की शिकायत करने लगे। छात्रों ने बताया कि दूध में छिपकली गिर गई थी। स्कूल प्रबंधन ने सभी छात्र छात्राओं को इलाज के लिए वाहन से अनुमंडल अस्पताल नवगछिया पहुंचाया। मौके पर अस्पताल के उपाधीक्षक बी दास, चिकित्सक विनय कुमार सहित स्वास्थ्य कर्मियों ने सभी छात्र छात्राओं का इलाज किया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही नवगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी उत्तम कुमार अस्पताल पहुंचकर बीमार छात्र छात्राओं का जायजा लिया। मौके पर मुख्यालय DSP नवगछिया थाना के थानाध्यक्ष मौजूद थे। नवगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी उत्तम कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल में 45 बच्चे बीमार हो गए हैं। सभी बच्चों को एम्बुलेंस के द्वारा इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल के चिकित्सकों ने बीमार सभी बच्चों का इलाज किया। सभी बच्चों की स्थिति संतोषजनक है। फिलहाल बच्चों को चिकित्सक की निगरानी में रखा गया है। स्कूल के चेयरमैन सुरेंद्र कुमार सुमन ने बताया कि दहियार दूध दिया था, उसमें छिपकली गिरा हुआ था, वही दूध बच्चों ने पी लिया था। दूध गर्म करने के पश्चात बच्चों ने दूध पी लिया था, बाद में दूध में छिपकली मिला था। बच्चे घबराहट की शिकायत करने लगे। सभी बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। सभी बच्चों की स्थिति फिलहाल ठीक है। वहीं अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर बी दास ने बताया कि कुछ बच्चों को छोड़कर अधिकतर बच्चों की स्थिति ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों को सुई एवं इंजेक्शन पड़ रहा है, उसमें भी सुधार हो रहा है। दूध में छिपकली गिर गया था। अच्छा, और दूध पी लिया सब? हाँ, हम लोग खा रहे थे रोटी के साथ। दूध क्या? यस। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बोला कि सर बेगो बेगो, तब हम लोग बेग दिए थे। दिया। यस। तो फिर कोई दिक्कत भी हुआ तुम लोग को? गला में दर्द हो रहा था। गला में दर्द हो रहा था। दूध रोटी खा रहे थे ना, तो फिर मन थोड़ा सा घूमने लगा, तो सर बोले क्या दूध फेंको, दूध में छिपकली है, तो हम लोग दूध फेंक दिए, उसका उल्टी होने लगा। दूध पिए, दूध पीने के बाद मन सब घूमने लगा, फिर आंटी बोली दूध फेंको, छिपकली है, फेंके दूध। सर दूध रोटी खा रहे थे ना, तो मन थोड़ा सा घूमने लगा, तब सर बोले फेंक दो, छिपकली है इसमें, इसलिए फेंक दे, तो माथा उठा दर्द करने लगा, तब बोला चलो सब ऊपर। वहाँ कितना बच्चा आया है? 40-50। हमको तो पता नहीं सर, हम दूध तो उबाले नहीं है। हाँ। 4 दिन हमको ड्यूटी हुआ करे हुए। हाँ। उसके बाद पता नहीं, मैम ने देखी तो बोला दूध मत पियो, इसमें छिपकली है। हाँ। हम उधर रोटी दे रहे थे। हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं, हमारे बच्चों को लगा कि दूध में कुछ गिरा हुआ है, और कुछ बच्चों ने महसूस किया कि उनको कुछ घबराहट सी महसूस हो रही थी, हमको लगा कि उनको लेकर हॉस्पिटल आना चाहिए, सारे बच्चों को लेकर आ गया। कौन से स्कूल से लेकर हैं? हम प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल से हैं। कब बच्चे लोग खाना खाए थे जिससे दिक्कत हुई? बच्चों ने 8:30 बजे खाना खाया था, उसके बाद वो दूध, उनका नियमित रूटीन है, वो दूध पीने के लिए आए थे, उनको लगा कि कुछ है, बट हम लोगों ने देखा ऐसा कुछ नहीं था। कितने बच्चे को लेकर आए हैं? लगभग गिनती में 35 से 40 के आसपास। 40 बच्चे, सबका मतलब यहाँ पर ट्रीटमेंट भी हुआ? सारे सबका ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन हमारे सारे बच्चे सुरक्षित हैं, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हम लोगों को सूचना मिली थी कि प्रेसिडेंसी स्कूल में लगभग 40-45 बच्चों की तबीयत खराब है, तो सूचना मिलते के साथ ही सभी बच्चों को एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल लाया गया है, आप लोग देख भी रहे हैं। सभी बच्चों का प्राथमिक उपचार किया गया, अभी सभी बच्चों की स्थिति सामान्य है, नॉर्मल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो कारण बताया जा रहा है कि इन बच्चों को दूध दिया गया था, दूध में छिपकली मिलने की बात कही जा रही है, तो ये तो जाँच के बाद ही पता चलेगा इसका कारण क्या था। भागलपुर में हाईवा बस की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बस अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे खाई में गिर गई। बस में यात्री सवार थे, जो इस हादसे में जख्मी हुए हैं। आनन फानन में सभी यात्रियों को बस से बाहर निकाला गया और इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में भर्ती किया गया। मामला भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया के भवानीपुर थाना क्षेत्र के NH31 भगवान पेट्रोल पंप के समीप का है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार यात्री बस खगड़िया की ओर से नवगछिया की तरफ आ रही थी, जबकि एक हाईवा नवगछिया से खगड़िया की ओर जा रहा था। दोनों वाहनों बीच जोरदार टक्कर हो गई। आमने सामने की इस टक्कर के बाद बस सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। हादसे का शिकार होते ही बस में सवार यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि बस में अधिक यात्री सवार नहीं थे। स्थानीय लोगों की मदद से बस में सवार यात्रियों, चालक व उपचालक को बाहर निकाला गया। स्थानीय पुलिस भी सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची। घायलों को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। चालक और उपचालक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। दोनों को पहले PSC नारायणपुर लाया गया। प्रारंभिक उपचार के बाद दोनों को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल अस्पताल भेज दिया गया, जबकि अन्य घायलों का नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में इलाज किया जा रहा है।
अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर में जिला प्रशासन ने जाम से निजात हेतु टोटो चालकों के लिए कोडिंग के आधार पर रूट निर्धारण की व्यवस्था की है। वहीं लगातार टोटो चालक इसका विरोध भी करते नजर आ रहे हैं, परंतु इस मामले से हटकर आज मुजाहिदपुर थाना परिसर में कुछ टोटो चालक ने जमकर बवाल काटा। कुछ टोटो चालक का रूट कोडिंग अलीगंज से कोयला डिपो किया गया है। वहीं चालक मुजाहिदपुर थाना के सामने से गुजर रहे थे, तभी पुलिस वालों ने जबरन टोटो से यात्रियों को उतार कर दबंग स्टाइल में टोटो थाने घुसवा दिया और कहा कि 5,000 फाइन दो और टोटो लेकर जाओ। उन लोगों का कहना है कि रूट कोडिंग के बावजूद पुलिस कर्मी दादागिरी दिखा रहे हैं। कोयला डिपो जाने के क्रम में हमको पकड़ा गया, हमारे पास कोयला डिपो का रसीद तक है, ये देखिए आज के डेट का, इस हिसाब से हमको पकड़ने का अलाउ नहीं है, हमको पहले ही बोल दिया है। तो जबरदस्ती पकड़ा गया? सर हम 6 नंबर से पैसेंजर लेके निकल रहे थे, मेरा 5 दुकान के पास गाड़ी खड़ा करके सब पैसेंजर उतरवा लिया, गाड़ी बोल दिया थाने घुसा। कौन उतरवा दिया? थाने का मुंशी है। कोडिंग दिया हुआ है? कोडिंग कहाँ तक है आपका? कोडिंग कहाँ तक? यहाँ से कोयला डिपो तक, मगर हमने 6 नंबर तक चलते हैं कि अलीगंज से आ रहा था या थाने में सीधा घुसा दिया। कौन घुसा दिया? वही मुंशी जी। क्या बोला? बोला 5,000 दो, पैन कार्ड और जा लीजिए। कोडिंग दिया हुआ तुम लोगों को? कहाँ से कहाँ तक का कोडिंग है? जो पिए शराब उसकी जिंदगी खराब। जी हाँ, यह कहावत चरितार्थ होती है बांका जिला के रहने वाले दो बच्चों की माँ के साथ। दो बच्चों की माँ अपनी माँ के साथ न्याय पाने DIG कार्यालय भागलपुर पहुंची। उसका कहना है कि मेरी शादी बांका जिला अंतर्गत बौसी थाना क्षेत्र में मसूदन बाबा मंदिर में आज से करीब 10 वर्ष पूर्व हुई थी। ईश्वर की कृपा से मुझे 2 पुत्री भी है, एक पुत्री 9 वर्ष की और दूसरी 6 वर्ष की। मेरे पति मुंबई में पोपलेन चलाते हैं, लेकिन अब मेरे पति मुझे पसंद नहीं करते, वे हमेशा मुझे पीटते रहते और बच्चों को भी हमेशा पीटते रहते हैं। यहाँ तक कि बड़ी पुत्री को करंट में लगा दिया और पिटाई भी की है, हमेशा वे पैसे की डिमांड करते रहते हैं। वही पीड़ित महिला की माँ ने कहा कि मेरा दामाद शराबी है, वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी पुत्री को नहीं चाहता, मैं तुम्ही से शादी करूंगा। वो कहती है कि मेरे दामाद को हाथ में जो सामान मिल जाता है उसी से मेरी बेटी की पिटाई शुरू कर देता है। बौसी थाना से निराश दोनों माँ बेटी और दो नोनिहाल संघ भागलपुर DIG कार्यालय में DIG से न्याय पाने पहुंची। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पीड़ित महिला के साथ क्या न्याय हो पाता है। मेरे पति मारपीट करते हैं, रोज करते हैं, इसलिए मैं भागलपुर आई हूँ, DID सर के पास मांग करते हैं, पैसे की मांग करते हैं। 10 साल हो गए, 10 साल में कभी अच्छे से नहीं रखा है। मेरी 2 बेटी है। क्या कहते हैं पति, क्या कहते हैं आपके? कहते नहीं रखेंगे तुमको, लेकिन कभी 1 टका नहीं दिया इसके पास में। हम यहाँ से खर्ची पानी सरफ साबुन शैम्पू सब कुछ भेज करके देते हैं, मनी ऑर्डर करके पैसा भेजते हैं, बेटी के खाने के लिए भी नहीं मिलता है, वहाँ नहीं देना जाता है, इसलिए हम
आप बेटी को मार करके बेहोश कर दिया था, नतनी को भी करंट लगा के बेहोश कर दिया। तब उसके बाद हमारी बेटी ने फोन, बेटी के गोतनी जैसे काटने गया ना गरा से और छुरा से, बोली बोली, तो छुरा और रड जो है लोहा का, उससे मारने का बुढ़िया जो है, तीनों ससुर उसका पति और उसका सास तीनों मिल करके हमारे बेटी को काटने गया कि हम इसको आज काट के खत्म कर देंगे। जब समूह नहीं देखा ना उस जगह, तो उस जगह से किसी तरह भाग करके गोतनी के पास गए, छोटी गोतनी के पास, तो वहाँ गया तो उसका गोतनी ने फोन किया कि तोरे बेटी के मार के बेहोश बेहोश कर, मतलब कि हो गए तोर बेटी से, तो यहाँ कल जल्दी से आबो। तो हम गलिए वहाँ, हमारे पति गले, हमारे भाई गले, भौजाई गलिए और हमारे देवर गले, सब सबके सामना में जो हमारा हाथ पकड़ी के मचारी दिल्क एकदम से है बाहि पूरा हमारे है दर्द कर ममोड़ी दिल्क मैंने, तब जाकर मैं तो वहाँ से फनो जाकर थाना गलिए। अभी हम भागलपुर आए, तब हम भागलपुर आए हैं कि ये सब DIC के पास कि मेरा यहाँ सब कुछ कर देगा, हम थक गए हैं ये सब से, यहाँ हमारा बढ़िया से फैसला कर दे, सबको यही चाहते हैं। सदगुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज की 140वीं जयंती के मौके पर भागलपुर के कुप्पा घाट स्थित महर्षि मेही आश्रम से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। पैदल शोभा यात्रा में महर्षि मेही परमहंस जी महाराज की हजारों शिष्य शामिल हुए। शोभा यात्रा में महर्षि मेही परमहंस जी महाराज की तस्वीर रथ पर रखकर फूल मालाओं से सजाया गया। पैदल शोभा यात्रा में काशी बनारस सहित महर्षि मेही आश्रम के साधु संतों के साथ हजारों की संख्या में महिला और पुरुष शिष्यों ने हिस्सा लिया।